वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, हो चुकी है सुबह और मैं अपना नाश्ता लेके हाजिर हो गई हूँ। ये भी आ गया जिम से। आज पता नहीं इनको क्या, मतलब कुछ एक्सरसाइज करते वक्त इनकी जो है नस चढ़ गई, तो उनके बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी तो गए हैं नहाने के लिए। थोड़ी देर मैंने आज बनाया है चीला। चीला बनाना एक टास्क है गाइज, इतनी गर्मी में जल्दी सीखते नहीं है एक तो, और फिर गर्मी में खड़े खड़े परेशान हो जाओ। तो फिलहाल नाश्ता करते हैं, ये भी आ रहे होंगे, देखते हैं कैसा है इनका। एक साइड में जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है, बता रहे थे आकर, तो देखते हैं कैसा है, फिर मिलते हैं। सो गाइज, इनके हो गई है नेक में दिक्कत, नस चढ़ गई, तो मैं इनके लिए ले आई हूँ सिकाई करने के लिए। और मम्मी से उधर से हंस रहे हैं, तभी मुझे हंसी आ रही। लोग सोचेंगे कि बताओ दर्द हो रहा है, मैं हंस रही हूँ। और ले आई हूँ स्प्रे मम्मी से लगाने के लिए, तो लगा देते हैं, तो क्या पता थोड़ा आराम मिले। तो ये हो चुके हैं रेडी दोस्तों, हो चुका हूँ रेडी। लेकिन गर्दन में आज मेरी ऐसी गर्दन खींची है ना कि ऐसे भी नहीं हो रही, बहुत दर्द हो रहा है। अब जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। आते हैं फिर। चलो चलो, ठीक ठीक, जाओ जाओ आराम से, बाय। इस टाइम हो रहा है 12:15 और सब काम हो गया है, पूजा भी हो गई, सब हो गई है। अब आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, तब तक ये आ जाएंगे, फिर इनसे मिलवाती हूँ आपको और फिर करते हैं लंच। अभी मैं खा रही हूँ अपने फ्रूट्स, तो वही खाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर मिलती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, देख के लग रहा है, बिल्कुल आराम नहीं मिला। एक तो वो रोड वे का ना इतने लग गए ना, और दर्द होने लगा होगा। हालत है इनकी टाइट गाइस, तो जल्दी से लेकर आते हैं इनके लिए खाना, ताकि खाकर आराम से, बहुत दर्द हो रहा है, तो खाकर आराम कर लेंगे थोड़ी देर, सिकाई कर देंगे फिर से, तो थोड़ा सही लगने लगेगा, खाना लेकर आते हैं। गाइस, आ गया हमारा खाना। आज खाने में इतनी सारी चीजें हैं ना, ये देखिए दाल, ये लहसुन की चटनी, सलाद, ये तुरई की सब्जी, ये वाइट और ब्राउन राइस, दही, भिंडी की सब्जी और परवल और नींबू का अचार। सारी गाइस वैरायटी है आज खाने में, तो फटाफट खाना खाते हैं, फिर देखते हैं इनको, इनकी थोड़ी टेक केयर करी जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। टाइम हो रहा है 5:30 और मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, और इनके तो बहुत दर्द हो रहा है, तो ये लेटे ही हुए हैं, सो भी नहीं पा रहे थे ठीक से, बहुत देर बाद जाके सोए। फिर अभी मैंने पूछा तो बोल रहा है कि हाँ चाय पियेंगे, तो मैं लेकर जाती हूँ, मैं भी पीती हूँ और फिर देखते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर पूछती हूँ। ये चाय और ब्रेड सेक कर लाई हूँ, देखती हूँ खाते हैं या नहीं। कैसा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, पता गर्दन जैसे लेट भी नहीं पा रहे, जैसे लेट बहुत तेज दर्द कर रही है, पूरा यहाँ से अब लेट ही कहाँ पा रहे थे, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से जाके 15-20 मिनट सोए हो गए। हाँ, बार बार वो हो जा रहा था, दिक्कत हो रही है। खा लो दवाई, डॉक्टर को दिखाओगे? वो नर्स वाली जो दवाई होती है वो खा लो। हाँ, को पीने देते हैं आराम से, चाय डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे बेचारे बड़े परेशान हैं सुबह से। तभी कहते हैं जिम जो है हमेशा देखभाल ही करनी चाहिए, पर लग जाती है क्या करा जाए धोखे से। गाइज, मुझे एकदम से याद आया कॉलर रखा हुआ है, तो मैंने नेक कॉलर होता है पता नहीं कुछ होता है, तो वही मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इनके वो लगा देते हैं, तो क्या पता इन्हें आराम मिल जाए, क्योंकि इनके यहाँ पर ना स्वेलिंग भी आ गई है, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अंदर तक लग गई है, तो ये लगाते हैं। तो ये देखिए गाइज, इन्होंने पहन लिया, तो क्या पता इन्हें थोड़ा आराम मिले इससे, तो देखते हैं थोड़ी देर लगा के, वरना फिर देखते हैं कोई दवाई वगैरह का टैबलेट मिल जाएगी तो वो टैबलेट इनको दे देंगे। तो पापा लेकर आए हैं ग्रीन एप्पल लूलू मॉल से, और यहाँ पर ये बैठकर खा रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। लूलू मॉल हम लोग गए थे ना, तब बुआ लेकर, नहीं बुआ लेकर आई थी, फिर हम लोग भी गए थे, फिर पापा भी गए घूमने, तो पापा लेकर आए हैं और बैठ के खाते हैं। आज मैं दोपहर से बोर हो गई हूँ, जब से इनके दोपहर से मैं बोर हो गई हूँ, जब से इनकी दिक्कत हुई है क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते, हाँ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो टाइम पास हो जाता है, आज बेचारे सोचते हैं एकदम। तो ये जा रहे हैं अतुल भैया के साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि इनके ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये गाड़ी चला नहीं पाएंगे, तो अतुल भैया इनको ले जाएंगे बाइक पर पीछे बैठा के। तो कपड़े कर लो चाहिए और जल्दी से जाओ।
नहीं उठ रहा है तो बाल में काट रही हूँ इनके, कैसा बना दिया मैंने आपको देखो। कैसे काटे जाते हो बाल? लड़कियों के काटना इजी है। अरे 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 अरे, तो जब आप काट ही सकते थे आप क्यों मुझसे कटा रहे थे? सही है। हाँ वो वेट उठा रहे थे तो एकदम से गर्दन टेढ़ी हो गई, तो ये जो है यहाँ पे अभी ठीक है। दिखा के डॉक्टर को, और हमारे बेचारे अतुल भैया हमेशा हाजिर रहते हैं कोई भी दिक्कत हो जाए हम लोगों को। तो क्या बताया डॉक्टर ने? चुटकियों में से हो जाएगा तो सही है। डॉक्टर साहब डायरेक्ट वियतनाम से आए थे तो वो जैसे ही आकर बैठे, भैया लाइट जला दो देखने का, डॉक्टर साहब डायरेक्ट आए थे वियतनाम से, तो जैसे ही आए वो ये मतलब सही टाइम पे गए थे तो उन्हें देख लिया। और एक बात और है कि इन्हें वहीं की दवाई सूट करती है, कोई भी दिक्कत हो जाए डॉक्टर साहब को बस एक बार दिखा दो ये ठीक हो जाते हैं। तो होप सो कि ये भी ठीक हो जाए जल्दी। और ये लेकर आए आते पर चला चिली पोटैटो लाए, पोटैटो चिली, तो हम लोग वो खाते फिर मिलते। मैं तो वापस आ गई हूँ अपने रूम में खा पी कर पेट पूजा कर कर, और थोड़ी देर में करेंगे डिनर और ये वापस चले गए अतुल भैया के साथ घूमने। घूमने क्या मतलब, थोड़ा बहुत काम था तो भैया भी थे तो इन्होंने सोचा कर लेते, कपड़े वगैरह लाने थे ड्राई क्लीन को दिए थे तो वो करने के लिए गए हैं। और सही भी है क्योंकि सुबह से बेचारे परेशान थे स्कूल से, जब से बहुत दर्द हो रहा था इनके, और कहीं जाओ तो थोड़ा मूड जो होता है सही हो जाता है। आपको तो पता ही है मैं तो हमेशा ही अपना मूड ऐसे सही करती हूँ, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है मैं कहीं घूमने निकल जाती हूँ, थोड़ा सा माइंड जो है उस चीज़ से हट जाता है। तो सेम इनके साथ है तो अब थोड़े खुश भी लग रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर ये आ जाएंगे, फिर दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए, क्या करके आए, और तब तक मैं बैठती हूँ आ गए घूम घाम के। तो मैं बना रही हूँ पनीर की भुजिया, ये लेकर आए थे अभी तो वही बनाते हैं, फिर करते हैं अपना डिनर। सो गाइस ये आ गया हमारा डिनर, पनीर की भुजिया, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। बहुत अच्छी लग रही है, खा के देखो अच्छी लग रही है। खा के बताओ। खाने भी बढ़िया ही रही। आपको पता जब हमने अपना पहला ब्लॉग बनाया था तो उसे हमने पनीर की भुजिया बनाई थी। अच्छा हाँ, फर्स्ट व्लॉग भी था और आपने मेरा हेयर कट नहीं करा था, पहला चैलेंज वीडियो भी था उसमें हम लोगों ने जो पहली बार कुकिंग का मतलब जो दिखाया था खाने वाला वो यही दिखाई थी पनीर की भुजिया, एकदम से पता नहीं स्ट्राइक कर गई माइंड में। तो चलो फटाफट डिनर कर लेते हैं। सो गाइस टाइम हो गया 10:30, अरे ऐसे रहे टाइम हो रहा है 10:30 गाइस, 9:30 पे एक दवाई खानी थी, अब 10:30 का टाइम आ गया दूसरी खाने का, तो वो इनको खिला देते हैं और प्लस इनके स्प्रे लगा देते हैं, और बाकी ये तो इन्होंने पहन ही रखा है। होप सो जल्दी इनको आराम मिल जाए। सो यहीं पे आज का ब्लॉग करते हैं एंड। यही था गाइस आज के ब्लॉग में, कुछ खास नहीं, मैं तो खुद ही आज जो थी परेशान हो गए हम दोनों ही लोग, क्योंकि इनकी वजह से मैं हो गई, ये तो अपने दर्द से थे ही परेशान, तो फिलहाल अब जल्दी से ठीक हो जाए। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ़ यू डू प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट शेयर करिएगा गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय, बोल पाएंगे आप बाय बाय।